नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये मूवी चैनल है, जैसे सोनी वाह हो गया, स्टार उत्सव मूवीज हो गया, या जो फ्रेंड बिफोरियो मूवीज हो गया, और फ्रेंड जैसे रिश्ते से नफरत, कलर रिश्ते, ये चैनल हो गया, ये क्यों नहीं दिखाते एड फ्री मूवी। जी हाँ फ्रेंड, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, ये सभी चैनल डी डिफ्रिडिस पर हैं। ये हाँ फ्रेंड, सोनी वाह स्टार उत्सव मूवी नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, यानी डी डी फ्रीडेस पर ही रहेंगे 1 साल तक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डी डी फ्रीडेस पर यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, केवल एक ही चैनल है जो कि बिना एड का एड फ्री मूवी दिखाता है। उस चैनल का नाम है ढिंचाक। जी हाँ फ्रेंड, केवल एक ही चैनल है जो कि बिना एड की मूवी दिखाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों, और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये चैनल क्यों नहीं दिखाते एड फ्री मूवी। तो दोस्तों इसका जो रियल सच है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, ढिंचाक चैनल जो कि पिछले 1 महीने से डी डी फ्री डिश पर है। जी हाँ फ्रेंड, ये ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, ये 1 महीने पुराना है। और ये चैनल जो है ढिंचाक, ये गोल्ड माइन का ही एक चैनल है। जी हाँ फ्रेंड, गोल्ड माइन से आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, गोल्ड माइन एक साउथ मूवी का एक चैनल है जो कि आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसी का चैनल है। वैसे तो आपको बता दें, गोल्ड माइन अपना ही चैनल, जैसे गोल्ड माइन के नाम से ही डी डी फ्रीडिस पर आना चाहता था, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ढिंचाक के नाम से उनको पहले सर्टिफिकेट तो मिल गया था कि यहाँ पे डी डी फ्रीडिस पर ये आएंगे, ढिंचाक आएगा मतलब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी के वजह से आप डी डी फ्रीडिस पर आ तो आ गया, और मूवी चैनल जैसे शुरू शुरू में ये मूवी चैनल इतना पसंद नहीं किया जा सकता था। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, तब यहाँ पे ना तो स्टार उत्सव मूवी, यहाँ पे फ्रेंड ना तो रिश्ते से नेटफ्लिक्स था, ना कलर्स रिश्ते था, और ना ही जी अनमोल सिनेमा था, और ना ही कुछ भी था चैनल, वही थे बीफोरियो मूवीज और फ्रेंड मनोरंजन टीवी, ऐसे चैनल थे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, तो दोस्तों इसी के कारण ढिंचाक ने सबसे पहले ही डी डी फ्रीडिस पर एंट्री ली थी। इसी के कारण कुछ लोग ने ढिंचाक चैनल पर मूवी देखने का जो मूवी देखते थे। तो दोस्तों ढिंचाक ने वहाँ पे एक चीज़ बढ़िया की, जो कि टीआरपी बढ़ाने के लिए, वो बढ़िया चीज़ क्या थी पता है, उस पर एड फ्री मूवी लगाया था। जी हाँ फ्रेंड, बिना एड की मूवी। अब दोस्तों पेड चैनल हो तो दोस्तों पेड के जरिए जो चैनल होते हैं वो कमाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डी डी फ्रीडिस पर केवल और केवल एड दिखा के ही कमाई कर सकते हैं, यही उनका जरिया होता है पैसे कमाने का, जो भी चैनल होते हैं डी डी फ्रीडिस पर। तो इसी के कारण अब ढिंचाक कब दिखाएगा एड फ्री मूवी, ये मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के कारण डी डी फ्रीडिस पर यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, इसी के कारण ढिंचाक एड फ्री मूवी दिखा रहा है। अभी ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखाएगा, यानी 1 से 2 महीने, यानी 1 साल भी दिखा सकता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही मूवी हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो ढिंचाक वो गोल्ड माइन का ही एक चैनल है जो कि गोल्ड माइन पे बहुत सारी मूवी पहले से ही हैं, वही मूवी आपको ढिंचाक पर देखने को मिल जाती हैं। अब बात आती है कि ये चैनल क्यों नहीं दिखाते एड फ्री मूवी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पहले ही कहा था, डी डी फ्री डिश पर केवल कमाई का जरिया फ्री एड दिखा के ही कमाई करने का है। जो गोल्ड माइन चैनल था उनके पास तो पहले से ही मूवी थी बहुत सारी, इसी वजह से ढिंचाक पर दिखा रहे हैं, लेकिन जो सोनी वाह स्टार उत्सव मूवी, जी अनमोल सिनेमा, ये नहीं है, इनके पास नहीं है, वो भी तो भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनका एक ही जरिया है पैसे कमाने का, वो है एड दिखा के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी तो मिली होगी, अगर मिली होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ फ्रेंड, मैं आपको बता सकता हूँ, 95% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।